हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम पिछले 12 माह के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके तहत आप देखोगे आपको हर एक वीडियो में महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों का संग्रह देखने के लिए मिलेगा। और मैंने इस सीरीज में वे सभी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो 2022 से 2023 के बीच एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और पिछले 12 माह का करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? तो अरुणोदय 2, इस योजना की शुरुआत हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को भी देखकर चलते हैं, जैसे एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? पंजाब राज्य सरकार ने। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। वहीं पर काशी यात्रा योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। इसके बाद बात करूं हिम प्रहरी योजना किसने शुरू की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। और कौशल्या मातृत्व योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहीं पर अगर बात करूं अग्निपथ योजना, तो अग्निपथ योजना वही योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसमें सेना भर्ती 4 साल के लिए की जानी थी। इसके बाद है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बाद आ जाती है ई अधिगम योजना, जो कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई है। महिला निधि ऋण योजना, इसको राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। सीमा दर्शन योजना, यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। और नारी नमन योजना, यह आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। तो ये सभी योजनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनमें से हर एक योजना अभी तक एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नामक मिशन को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात से लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुन ली गई है? तो कैटलिन नोवाक, इन्हें हाल ही में हंगरी की नई राष्ट्रपति चुन लिया गया है, और ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम हो जाता है ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कर्नाटक राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को हाल ही में हैदराबाद शहर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दिलीप महालनोबिस, जैसे कि आप सभी जानते हैं दिलीप महालनोबिस एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो रामदर्श मिश्र जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इंपोर्टेंट बात यह भी हो जाती है कि इन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है। रामदर्श मिश्र जी को यह पुरस्कार मैं तो यहां हूं नामक कृति के लिए दिया गया है, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान असगर वजहत जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और असगर वजहत जी को 31वें व्यास सम्मान से महाबली नाटक के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो हुआ है वो आपका भारत के अंदर ही हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें कि विजेता रहा स्पेन और उपविजेता रहा कोलंबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 से शेहान करुणा तिलक जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शेहान करुणा तिलक, ये श्रीलंका की एक महिला हो जाती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के अंदर किसे दिया गया, तो ये दिया गया था गीतांजलि श्री को। तो यहां से आपका बुकर पुरस्कार 2022 भी क्लियर हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 94th जो ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर दिए गए हैं उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो कोडा नामक फिल्म को दिया जा चुका है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 2022 के अंदर ऑस्कर अवार्ड की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों को भी देखते हैं। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया कोडा फिल्म को, बेस्ट डायरेक्टर यानी कि बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया जेन कैंपियन को, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ को, और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को। ऑस्कर से बनने वाले ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 जो है वो आशा पारेख जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, जिसे आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं, इस सूचकांक में भारत की स्थिति 40वें नंबर पर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि अगर बात करूं पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड को रखा गया, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो यूएस ओपन 2022 के अंदर पुरुष वर्ग का विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर बात करूं महिला वर्ग का विजेता कौन बनी है, तो महिला वर्ग के अंदर यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है ईगा स्वास्तिक ने। अब इसी के साथ कुछ टेनिस ग्रैंड स्लैम को भी देख लेते हैं जो वर्ष में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब मिला राफेल नडाल को जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल का पुरस्कार मिला एशले बार्टी को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022, इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब मिला राफेल नडाल जी को जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला एकल का पुरस्कार मिला इगा स्वास्तिक जी को जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूएस ओपन 2022, इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब दिया गया कार्लोस अल्कराज जी को जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला एकल का खिताब मिला इगा स्वास्तिक जी को जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। और अंतिम टेनिस ग्रैंड स्लैम हो जाता है विंबलडन ओपन 2022, इसके अंदर पुरुष एकल का खिताब मिला नोवाक जोकोविच को जो कि सर्बिया से है, महिला एकल का खिताब मिला है एलिना रिबाकिना को जो कि कजाकिस्तान की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो इस अवार्ड से हाल ही में स्वेला ब्रेवरमैन जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 है, इसके अंदर भारत की स्थिति 135वें नंबर पर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था हो जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे आप विश्व आर्थिक मंच के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल मिलाकर 140 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से भारत का 135वां स्थान रखा गया है। बात करूं इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा आइसलैंड, दूसरे स्थान पर रहा फिनलैंड, और तीसरे स्थान पर आ जाता है नॉर्वे। तो इतना फैक्ट आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर माधव हाडा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे 2025 तक भारत सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका नाम हो जाता है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने कई बार रिपीट हो चुका है। भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहां किया गया है? तो जो भारत की पहली स्टील रोड है इसका निर्माण हाल ही में गुजरात के सूरत नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, जिसे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के नाम से भी जानते हैं, इसके अनुसार भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं पहले स्थान पर किसे रखा गया, तो पहले स्थान पर रहा फिनलैंड, और इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था हो जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 31वां सरस्वती सम्मान जो है वो प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य भी 2025 तक ही रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लक्ष्य से आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैंने आपको इससे पहले एक और लक्ष्य कराया है जिसका नाम हो जाता है भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो वो भी आपका 2025 तक ही है। तो ये दोनों लक्ष्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो TX2 पुरस्कार से हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला गया है? तो जो भारत का पहला ड्रोन स्कूल है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक शहर में खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले या उसकी डोज को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन चुके हैं मनीष कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मनीष कुमार वही व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली एम्स के एक सफाईकर्मी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य भी आपका 2025 तक ही रखा गया है, अर्थात 2025 तक भारत ने खुद को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस सूचकांक के अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है हांगकांग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि बात करूं भारत की, तो इस सूचकांक में भारत 6.72 अंकों के साथ 89वें स्थान पर रहा है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करूं इस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो जारी करने वाली संस्था हो जाती है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कनाडा के अंदर हो जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के क्वार्टर थर्ड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस सूचकांक के अंदर हमेशा की तरह शीर्ष पर रहने वाला देश हो जाता है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि भारत की अगर इसमें बात करूं, तो 2022 के अंदर क्वार्टर थ्री में भारत को 87वें स्थान पर रखा गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है, जिसका 112वां नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई तकनीकी का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आप सभी भलीभांति रूप से परिचित होंगे जिस क्षेत्र में गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ही पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिटजकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो प्रिटजकर पुरस्कार है वो डाइबेडो फ्रांसिस केरे जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, या जिसे आप स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जानते हैं, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के नाथद्वारा नामक स्थान पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए COVID-19 वैक्सीन विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है रूस, और रूस के द्वारा जो ये वैक्सीन बनाई गई है इसका नाम हो जाता है कार्निवैक को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो 2022 के अंदर ईरानी कप का खिताब शेष भारत की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चीता अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कोनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भारत के अंदर पश्चिम बंगाल के कोलकाता नामक शहर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? तो 2022-23 के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है वो है 328 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पानी की खोज के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी अपना पहला मोबाइल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे? इसका सही आंसर हो जाता है नासा। नासा के द्वारा ही चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हो जाते हैं संकेत सरगर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एक वेटलिफ्टर है, अर्थात भारतोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जानवरों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, और इस कदम को उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में चीते लाने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है। हाल ही में भारत के अंदर चीते लाने के लिए भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान, इसकी शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिससे कि कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है एम्बर ब्रेके। तो इसी के साथ आप लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हो। अब इसके बाद आपको पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि हम और भी महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और ये वीडियो आपको यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके कुछ एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, जैसे कि वीडियो के री एग्जाम की डेट आ चुकी है, एमटीएस के भी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहां पर एक नंबर का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।